दुनिया के 5 अजीबोगरीब और अनोखे गांव। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक ऐसा गांव जहां भूतों का बसेरा है, एक ऐसा गांव जहां इंसान तो दूर की बात, वहां की दीवारों को छूना भी मना है, एक ऐसा गांव जहां नींद राज करती है, एक ऐसा गांव जहां आप रियल ज़ॉम्बीज़ को देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 5, लॉन्गियरबाइन विलेज, नॉर्वे। दुनिया का ऐसा गांव जहां मरना इलीगल है। जी हां, नॉर्वे का लॉन्गियरबाइन गांव नॉर्वे का सर्दतरीन इलाका है, जहां दर्जा हरारत -18 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यही वजह है कि यहां पिछले 80 सालों से कोई भी लाश नहीं दफनाई गई, क्योंकि ये इलाका सर्दतरीन इलाका है। यहां के कब्रिस्तान में दफनाई जाने वाली लाशें डीकम्पोज नहीं होती। इन लाशों को जंगली जानवर कब्रों से निकाल लेते हैं और फिर अधखाई लाशों को यूं ही छोड़ देते हैं। इन लाशों से यहाँ खतरनाक वायरस और बीमारी फैलने का खतरा हर वक्त बना रहता है। इसीलिए यहाँ की हकूमत ने यहाँ लाश दफनाना मना किया है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमार हों या मरने के करीब हों, उन्हें इस गांव से फौरी तौर पर नॉर्वे के किसी और इलाके में ले जाने का हुक्म है। अगर कोई इस हुक्म को नहीं मानता तो उसे भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। इसलिए ये गाँव पूरी दुनिया में मशहूर है कि यहाँ मरना मना है। नंबर 4, मलाना विलेज, इंडिया। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में मौजूद ये गांव अपने आप में बहुत ही मुनफरिद है। भारत में रहकर इस गांव के लोग खुद को भारतीय नहीं मानते। ये लोग खुद को अजीम सिकंदर आजम की नस्ल बताते हैं और यही वजह है कि ये खुद को बहुत ही अजीम समझते हैं। इस गांव में 125 के लगभग खानदान आबाद हैं। इनका अपना कानून है। ये लोग अजीब जुबान बोलते हैं, जो कनासी नाम से जानी जाती है। ये जुबान इंडिया में बोली जाने वाली किसी भी जुबान से नहीं मिलती। कहते हैं जब सिकंदर आजम बरसकीर पर हमलावर हुआ था तो उसके कुछ लोग यहाँ आबाद हुए थे और आज तक यहीं आबाद हैं। इस गांव को देखने हर साल हजारों लोग मलाना का रुख करते हैं, मगर यहाँ आने वाले लोगों को इस गांव में रुकने की इजाज़त नहीं। वो गांव से बाहर कैंप लगाते हैं। इस गांव में आप किसी भी मुकद्दस दीवार और इंसान को हाथ नहीं लगा सकते। अगर आपने किसी को छू लिया तो आपको 3 से 5 हजार का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ जगह जगह ये वार्निंग वाले बोर्ड्स लगे हैं। अगर आपने यहाँ किसी दुकान से कुछ खरीदना है तो आपको दुकान से बाहर खड़े होकर ऑर्डर देना होगा। दुकानदार आपकी मतलूबा चीज दुकान से बाहर नीचे जमीन पर रख देगा। आपको भी इस चीज के पैसे नीचे जमीन पर ही रखने होंगे। नंबर 3, कलाची विलेज, कजाकिस्तान। इस गांव के बारे में मशहूर है कि इस गांव को किसी पुरेसरार बीमारी ने घेर रखा है, क्योंकि इस गांव में लोग चलते फिरते खाते पीते अचानक सो जाते हैं और ये नींद भी एक आध दिन की नहीं होती, बल्कि ये नींद कई दिनों और हफ्तों की होती है। इसके अलावा यहाँ अक्सर लोग बाजाही चलते फिरते नजर आते हैं, मगर इनके दिमाग सोए होते हैं। इस बीमारी का पहला केस 2013 में सामने आया था। अब तो ये हाल है कि इस गांव का हर चौथा आदमी इस बीमारी में मुब्तला है। ये नींद कोमे जैसी होती है। यहाँ एक शख्स अचानक जंगल में सो गया था, फिर उसे 6 दिन बाद जब होश आई तो वो हॉस्पिटल में था। उसका बायां पांव किसी जंगली जानवर ने खा लिया था, मगर इसे कुछ भी मालूम नहीं था। बहुत से डॉक्टर्स और रेडियोलॉजिस्ट कलाची का दौरा कर चुके हैं। इस गांव की हवा, जमीन, पानी, खुराक, जानवरों और रिहायशियों के 20,000 से ज्यादा टेस्ट लिए जा चुके हैं, मगर इतनी कोशिश के बावजूद 21वीं सदी की जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस भी इस राज से पर्दा उठाने में नाकाम है। कुछ लोग इसे शैतानी अमल की गिरफ्त मानते हैं। कुछ यहाँ बहुत ही ज्यादा मिकदार में पाई जाने वाली कार्बन मोनोडाइऑक्साइड तो कुछ यहाँ गांव के नजदीक पाई जाने वाली यूरेनियम की कदीम माइन को इसका सबब मानते हैं, मगर फिर भी आज तक इसकी कोई हतमी वजह सामने नहीं आई। नंबर 2, घोस्ट विलेज, अल जजीरा, अल हमरा, रासुल खैमा। यूएई के स्टेट रासुल खैमा से 20 किलोमीटर के फासले पर मौजूद ये गांव 1968 से पहले इंसानों से आबाद था, मगर फिर ये लोगों से भरा हुआ गांव अचानक ही वीरान हो गया। इस गांव में बसने वाले सभी लोग एक ही दिन में ये गांव छोड़कर यूएई के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर आबाद हो गए। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि 1967 में यहाँ एक रात अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, मगर गाँव के किसी भी शख्स में हिम्मत ना हुई कि बाहर जाकर देख सके। अगले रोज फिर यही सिलसिला जारी रहा। दो बाहिम्मत मर्दों ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ कुछ लोग जश्न मना रहे थे। वो दोनों मर्द जब वापस आए तो खौफ के मारे किसी को कुछ न बता सके और अगले ही दिन वो दोनों मर्द पूरी इस तरीके से मर गए। हर रात अजीबोगरीब आवाजों का सिलसिला और भी बढ़ गया। जो भी इन पूरी इसरार लोगों को देखता वो जिंदा न बचता। जब ये वाकयात बढ़ गए तो इस गाँव के सभी लोगों ने ये गाँव एक ही दिन में छोड़ दिया। तब से ये गाँव कब्रिस्तान जैसी गहरी खामोशी समेटे हुए है। अब दुनिया भर से हजारों लोग इस पूरी इसरार गाँव को देखने यहाँ का रुख करते हैं, मगर शाम होते ही सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि दिन ही में इस गांव के खंडरात बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई देते हैं। तो शाम में ये कैसा मंजर पेश करेंगे ये सब जानते हैं। नंबर 1, तुराजा विलेज, इंडोनेशिया। दोस्तों, आपने मूवीज में ज़ॉम्बीज तो देखे ही होंगे, मगर अगर ये आप रियल लाइफ में देखना चाहते हैं तो आपको इस गाँव का विजिट करना चाहिए। इस गाँव में अगर कोई मर जाए तो उसके घर वाले इस लाश को तब तक नहीं दफनाते
जब तक वो पूरे गांव के लिए एक तकरीब मुनक्कद ना कर ले जिसमें भैंस और सुअर का गोश्त सबको खिलाना होता है। ये जश्न 3 दिन तक रहता है। इस रस्म में गरीब या नॉर्मल खानदान को $3,700 जो पाकिस्तानी $4.5 लाख और इंडियन 2.5 लाख का खर्च आता है। अमीर और शाही खानदान के लिए ये रकम ज्यादा होती है क्योंकि वो ज्यादा भैंसें और ज्यादा सुअर ज़िबा करते हैं। और अगर किसी के पास रकम नहीं तो वो मुर्दे को तब तक घर में रखते हैं जब तक रकम का बंदोबस्त ना हो जाए, फिर चाहे उसे महीनों लग जाए या सालों। तब तक डेड बॉडी घर वालों के साथ ही रहती है जिस पर स्पेशल किस्म के केमिकल्स लगाए जाते हैं ताकि लाश खराब ना हो और बदबू ना फैले। जिस घर में डेड बॉडी हो वो घर तब तक मनहूस माना जाता है जब तक डेड बॉडी की रस्म ना हो जाए। इन लोगों का मानना है कि मरने वाला मरा नहीं बल्कि सोया है या बीमार है। रस्म में मुर्दे को निकाल कर साफ किया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर इसे गलियों में घुमाया जाता है, सेल्फियां ली जाती हैं। इस गांव के लोगों का मानना है कि यहां हर शख्स पैसे जीने के लिए नहीं कमाता बल्कि मरने के लिए जमा करता है ताकि उसे इज्जत और धूमधाम से दफनाया जा सके। इस रस्म में रवायती गाने गाए जाते हैं और रक्स किया जाता है। दफनाने के बाद फिर ये रस्म अपनी हैसियत के मुताबिक 3 साल बाद फिर दोहराई जाती है। तब खानदान के जितने भी अफराद मर चुके हों उन सभी को निकाल कर ये रस्म दोहराई जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।